तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में डेक्सिड 100 mg टेबलेट के बारे में, और जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा होती है, इसका यूज कब किया जाता है, कितने रुपए की आती है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक चलती है, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है नहीं पड़ती, साइड इफेक्ट क्या करती है, तो सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, डेक्सिड एक ब्रांड आता है माइलिन कंपनी का, पहले फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई जाती थी, आज के लिए माइलिन कंपनी में मर्ज हो गई है। 15 टेबलेट का एक पत्ता करीब करीब आपको 300 रुपये के आसपास ये दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो टेबलेट आती है ना, ये NRX के अंदर आती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो डॉक्टर की सलाह से ही यूज करना चाहिए, इस टेबलेट की आदत पड़ सकती है। तो थोड़ी लंबी चलने वाली ये दवा होती है, डॉक्टर को बार बार में चेक करा के लिखाना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर की सलाह से अगर आप बार बार में दिखा के ले रहे हो तो काफ़ी अच्छी है, कोई आदत नहीं पड़ती है। और अगर आप अपने आप ही यूज किए जा रहे हो तो आगे जाके नुकसान कर सकती है, इसके बिना फिर कोई काम नहीं होता, आपको लेनी ही पड़ेगी, आदत पड़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में समझेंगे डिटेल से, भाई कहाँ काम आता है। तो भैया इसके अंदर आता है सेल्टालाइन आता है इसके अंदर 100 mg में, और ये जो सेल्टालाइन होता है ना, ये 25 mg भी आता है, 50 mg भी आता है, और 100 mg भी आता है। तो सेल्टालाइन क्या होता है? तो दोस्तों सेल्टालाइन एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम में और एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आती है। अगर व्यक्ति को एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, नींद आने में दिक्कत आती है, रात को सोने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं नेगेटिवली, ठीक है, अकेलापन है, घबराया घबराया रहता है, तो व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, अकेला अकेला घूरता रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, दुनियादारी का कोई मतलब नहीं होता, गुमसुम सा रहता है, तो ये सिम्टम होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। तो डॉक्टर वहाँ पर सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करते हैं, यानी ये सेरोटोनिन जो दिमाग के अंदर दोस्तों कई तरह केमिकल मैसेंजर होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, तो जो सेरोटोनिन होता है ना उसको ये बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति को एक लिफ्ट मिलता है, अपलिफ्ट मिलता है, व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, डिप्रेशन से बाहर आ सकता है और पॉजिटिवली सोचता है, ठीक है। तो वो जितना वो हाई रहेगा ना उतना अच्छा रहता है दिमाग के लिए और बॉडी के लिए, तो उससे व्यक्ति के थॉट में विचार बदलते हैं और अच्छे विचार आते हैं, जैसे कि व्यक्ति हर बात समझने लगता है और धीरे धीरे बाहर आ जाता है, एक हिम्मत सी मिलती है। तो कहने का मतलब है एंजाइटी डिप्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम में चलती है, नींद कम आ रहा है वहाँ पर भी काम करती है। दोस्तों इनके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, बेफालतू डर लगना, अचानक से व्यक्ति घबरा जाना, ठीक है, डर लगेगा कि 15-20 लोग मारने वाले हैं या कुछ होने वाला है, जो हो ही नहीं रहा, जो हो ही नहीं सकता, उसको सोच के पहले ही डर रहा है, घबरा जाता है 2-4-5 लोगों को देख के, तो पैनिक डिसऑर्डर होता है वहाँ चलता है। इनके अलावा दोस्तों OCD प्रॉब्लम में चलता है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस काम में दोस्तों एक्चुअली इस प्रॉब्लम में होता क्या कि एक काम को व्यक्ति बार बार में करने की कोशिश करता है, एक जुनून के साथ करता है, भूल जाता है बार बार में एक काम को बार बार में करेगा, ठीक है। इसके कुछ और भी सिम्टम होते हैं जिससे पता चल जाता है, तो शुरू में नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है, डॉक्टर पहचान लेते हैं, तो OCD प्रॉब्लम होता है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहाँ पर भी चलते हैं। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है और कितने दिन तक चलती है। तो भैया देखिए 100 mg की जो टेबलेट होती है ना डोज, ये रात को एक टेबलेट होती है, कई बार कुछ केसेज में ये भी होता है कि एक सुबह एक शाम डॉक्टर कर सकते हैं, या आधी सुबह आधी शाम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 mg देखा गया कि रात को एक ही होती है, और करीब करीब ये 2 वीक तक ली जाती है, उसके बाद डॉक्टर चेक करके वापस आगे बढ़ा भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी है तो वहाँ पर थोड़ा 2 वीक और बढ़ सकते हैं, यानी 1-1.5 महीने के बाद बंद हो सकती है। कई बार ये होता है कि कुछ लगातार कई मंथ तक लेनी भी पड़ सकती है, तो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, आराम मिला या नहीं मिला, या दवाई बंद करने के बाद प्रॉब्लम वापस हो रही या नहीं हो रही, तो डिपेंड करता है, कंटिन्यू भी चल सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए कभी भी अगर आपको यूज करना पड़े। और अगर आपके ये चली गई है तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अच्छी दवा है, ऐसे कोई नुकसान नहीं करती है। अच्छा बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसको देने के बाद कई बार तक कि व्यक्ति को थकान वगैरह हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, वजन भी बढ़ सकता है, और पुरुष व्यक्ति में देखा गया है कि इजेकुलेशन करने में दिक्कत आती है, सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी दवा है, इतनी कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, लेकिन हो सकते हैं कब्ज वगैरह भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो डॉक्टर को बताना चाहिए। तो भैया संपूर्ण रेव था डेक्सिड 100 mg टेबलेट के बारे में, यहाँ तक भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।